हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका भाई डॉगी, हमारे मुलाकात कभी नहीं होगी। ट्यूटोरियल वीडियो को आप सब बहुत प्यार देते हो, इसलिए थैंक यू। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल से बुरा लगता है भाई। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वैक बैंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे ओपन करना है, उसके बाद मल्टीट्रैक सिंथ रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाना है, मेजर 50 बीपीएम 120 सेट करना है, अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ड्रम पैड सेलेक्ट करना है, डांस ड्रम सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। अभी रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है, फिर से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद रोड्स पियानो सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड ऑन करना है। रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है, अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड पे जाना है, उसके बाद स्ट्रिंग एंसेंबल सेलेक्ट करना है, अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद बिग पैड ओपन करना है, अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्क्वायर कीबोर्ड सेलेक्ट करना है,
अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके ड्रम सेलेक्ट करना है। इंस्ट्रूमेंट सेक्शन जाकर इनवेडर किट सेलेक्ट करना है। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। अभी ब्राइट पियानो सेलेक्ट करना है। रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। यह हमारा बनाया हुआ म्यूजिक है, अभी इससे सेव करना है, उसके बाद बैक आना है। इससे अभी MP3 को कन्वर्ट करना है। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि वैक बैंड पे लूपिंग कैसा होता है। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है इस वीडियो देखी। ये दोनों वीडियो में सब कुछ कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है।